आज है 11 नवंबर और यहाँ पर आज अलॉटमेंट आने वाला है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आईपीओ का। तो जिन जिन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है उनको इंतजार था इस डेट का। आज इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है, अलॉटमेंट डेट है सॉरी दोस्तों, तो आज ये अलॉट होने वाला है। तो कितने परसेंट चांसेस है अलॉट होने के, क्या आपको अलॉट होगा या नहीं, और अगर अलॉट होता है तो आपको कौन सी वेबसाइट पर जा करके देखना है आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में देखा गया किसी तरीके का आपके पास कोई भी मैसेज नहीं आता है कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या आपका पैसा रिफंड हुआ या रिबुक हुआ। तो ऐसी कंडीशन में आपको वेबसाइट पर जाकर के चेक करना है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कहाँ पर देखना है अलॉटमेंट, कितने बजे देखना। सबसे पहले इसमें यहाँ पर आपको अलॉटमेंट चांसेस कितना है वो देख लेते हैं, इसके बाद इसका जीएमपी कितना है वो देख लेते हैं, लास्ट में आपको वेबसाइट बताऊंगा। तो इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस अगर आप देखते हैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का, तो यहाँ पर रिटेलर कैटेगरी के अंदर एक गुना अभी फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ। यहाँ पर ये टोटल सब्सक्रिप्शन इसका देखेंगे सिर्फ 2.94 गुना के आसपास है, 3 गुना के आसपास है सब्सक्राइब, वो ओवर सब्सक्राइब तो हो चुका है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में भी कुछ काफ़ी सब्सक्राइब नहीं हुआ, खाली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में आप देखते हैं 8 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नॉर्मल सा आप यहाँ कह सकते हैं, तो यहाँ से चांसेस बनते हैं आईपीओ आपको मिल जाए। दूसरी बात कि यहाँ पर इन्होंने रिटेल कोटा कितना रखा है वो आपको देखना है, तो रिटेल कोटे पे हम जाएंगे जरा देखेंगे रिटेल कोटा इन्होंने कितना रखा हुआ है। तो 35% आप देखेंगे रिटेल कोटा 35% से चांसेस हो जाते हैं आईपीओ आपको अलॉट हो जाएगा। अगर आपने इसमें अप्लाई किया है तो आईपीओ आपको अप्लाई हो जाने वाला है, 100% आपको अप्लाई हो जाएगा। तो आपको उसकी तो टेंशन ही नहीं रखने की आईपीओ अप्लाई अलॉट होगा या नहीं होगा। अब इसकी जीएमपी पर नज़र डालते हैं कि अगर आपको यह मिल जाता है अलॉटमेंट तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस यहाँ पर देखेंगे जीएमपी लेटेस्ट सिर्फ 5 रुपये के आसपास चल रहा है, सिर्फ 2% के आसपास का लिस्टिंग गेन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो अगर एक लोड के लिए आपने अप्लाई किया तो सिर्फ 200 रुपये के आसपास का बेनिफिट आपको एक लोड के ऊपर ये दे करके जाएगा, उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। अभी ये फिलहाल डेटा जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में खुलता है तो ये आपका बेनिफिट बढ़ भी सकता है। तो ये 2% ये कहीं ना कहीं 5% भी जा सकता है, लास्ट में लास्ट ये 10% जाएगा, इससे ऊपर आपको जाता हुआ देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपने लिस्टिंग गेन लेने के लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो यहाँ से आपको ना के बराबर लिस्टिंग गेन मिलने वाला, हो सकता है आपको डिस्काउंट पर मिल जाए। तो अगर लिस्टिंग गेन लेने के लिए आपने अप्लाई किया तो जल्द से जल्द आपको यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए लिस्टिंग गेन लेने के बाद, जो भी आपको मिले। लॉन्ग टर्म आपको इसमें नहीं रुकना चाहिए, कंपनी इतनी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है कि लॉन्ग टर्म में ये आईपीओ आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दे करके जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं करना है। वहीं पर एक लोड के लिए आपने अप्लाई किया तो 40 शेयर आपको अलॉट होंगे, उसके हिसाब से 200 रुपये का आपको बेनिफिट ये दिखा रहा है। वहीं पर इसकी देख लेंगे लिस्टिंग डेट कितनी है अभी, अगर आपको आज अलॉटमेंट ये नहीं मिलता 10 तारीख को तो आपका जो रिफंड है कल यानी 11 तारीख को रिफंड कर दिया जाएगा, और अगर आपको मिल जाता तो आपका जो भी डीमेट अकाउंट में 14 तारीख को इसके शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। फाइनली 15 तारीख को ये लिस्ट हो जाएगा, यानी आप इसके शेयर खरीद सकते बेच सकते। अब बात आ जाती है इसका अलॉटमेंट कहाँ देखना, तो आपको लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर आ जाना, चाहे आप अपने कंप्यूटर पर हो चाहे अपने मोबाइल पर ब्राउज़र पर जाना, वहाँ लिंक्डइन टाइम इस तरीके से लिखना है तो इसकी वेबसाइट आएगी। यहाँ 3 तरीक़ों से आप देख सकते हैं, देख लीजिए अपना अलॉटमेंट स्टेटस। अभी हाल ही में DCX सिस्टम का आईपीओ यहाँ पर आया है तो इसका रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं हमेशा पेन नंबर के द्वारा चेक करता हूँ, तो आपको भी सजेस्ट करूँगा पेन नंबर के द्वारा आप चेक करें। यहाँ पर आपको अपना आईपीओ जो भी हो सिलेक्ट कर लेना, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, नीचे अपना पेन नंबर डालकर सर्च पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आपको शेयर अलॉट होंगे तो यहाँ पर दिखा देंगे, नहीं अलॉट होंगे तो भी यहाँ पर दिखा देंगे। तो ये आपको कब करना है, आज शाम को 7 या 8 बजे के आसपास आप यहाँ पर अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे, क्योंकि अमूमन स्टेटस अपडेट होने में कहीं ना कहीं इसमें टाइम लग जाता है थोड़ा बहुत। तो इस वेबसाइट पर 7-8 बजे के आसपास आकर के आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। बाकी और कोई लेटेस्ट न्यूज़ इस आईपीओ से रिलेटेड आती है तो हमारे चैनल पर आपको देखने के लिए ज़रूर से मिल जाएगी।